गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखिए बच्चों, लेंथ की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास स्केल है, जिसे मैं डायग्राम जनरली बनाता हूँ, तो इसके कोई भी मैंने दो पॉइंट ले लिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ कहते हैं। अब बात आती है बच्चों लेंथ को नापने की, हम लेंथ को नापते कैसे हैं। तो यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो प्यारे बच्चों, उसके दो तरीके होते हैं नापने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम लेंथ, क्योंकि अब पर्टिकुलरली हम लेंथ की बात कर रहे हैं, सो इन केस ऑफ लेंथ हम डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड भी। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये एक बॉक्स है मोबाइल का और इसकी ये लेंथ बताइए, तो आप इसको डायरेक्टली नाप देंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्केल, या आप इसको नाप देंगे। दिस इज डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड होता है बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें एक एटम की रेडियस नापनी है, तो अब वो इतना छोटा हो गया कि उसको डायरेक्ट मेथड से आप नहीं नाप सकते, वहाँ पे फिर हम इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे। अगर हम कहें कि पृथ्वी और सूर्य, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता करना है, अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट मेथड मीन्स व्हेन वी हैव टू मेजर ए वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस और वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन वी हैव टू यूज इनडायरेक्ट मेथड। तो लेंथ में बच्चों जो डायरेक्ट मेथड है उनके जो अलग अलग डिवाइसेस हैं वो है बच्चों, जैसे हम बात करते हैं 10^-3 meter टू 10^-2 meter। इस रेंज में अगर कोई लेंथ होगी तो उसको हम नापेंगे प्यारे बच्चों मीटर स्केल से। आपने मीटर स्केल लैब में देखा होगा, एक मीटर का लकड़ी का एक इस तरह का स्केल होता है, वो एक मीटर का होता है, ये तो छोटा है, उसको मीटर स्केल कहते हैं। उसका लिस्ट काउंट लगभग 1 millimeter के करीब होता है, 10^-3 यानी 1 millimeter प्यारे बच्चों, और 10^-2 meter यानी 100 meter। अब आप देखेंगे कि 100 meter के लिए तो हम मीटर स्केल यूज करते नहीं, लेकिन हाँ, मीटर स्केल का ही एक दूसरा रूप होता है जिसको आप टेप कहते हैं, मेजरिंग टेप। जैसे 100 feet का भी होता है, 50 feet का भी होता है, जो बच्चे एथलीट्स होते हैं उन्होंने वो देखा है, 250 feet तक का भी वो होता है। जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, हैमर थ्रो है, शॉट पुट है, तो किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है उसको नापने के लिए आपने एक बड़ा सा एक मेजरिंग टेप देखा होगा, तो उसकी मदद से हम 100 meter तक की डिस्टेंस नाप सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो बच्चों मीटर स्केल ही है, मीटर स्केल 100 times कर दिया है तो वो 100 meter का हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इससे अगर हम छोटी डिस्टेंस की बात करें 10^-3 से, अगर कम की बात करें, अगर हम बात करें 10^-4, तो 10^-4 मीन्स पहले बच्चों 1/10 ऑफ मिलीमीटर। इतना डिस्टेंस तक अगर हमें नापना है तो वी आर गोइंग टू यूज ए डिवाइस विच इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। प्यारे बच्चों, ये जो डिवाइस है बहुत ही बेसिक आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और फिजिक्स में IIT में जनरली इस पर हर अल्टरनेटिव ईयर पे या लगभग हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है, और आपके प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट में भी होता है। ये शायद पहला ही एक्सपेरिमेंट आपका, इस डिवाइस का नाम होता है डियर स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर। ये ऐसे, ठीक है, इसकी मदद से हम नापते हैं। इसके क्या क्या यूजेज हैं ये हम डिटेल से अलग ही लेक्चर लेंगे, उसमें बताएंगे, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपने देखा भी होगा लैब में, आपने देखा होगा फिजिक्स लैब में, ये इसको हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इसका लिस्ट काउंट है 1/10 millimeter। अगर हम इसे छोटे डिस्टेंस की बात करें 10^-5 meter की, 10^-5 meter, तो उसके लिए यानी 1/100 ऑफ ए मिलीमीटर वी आर गोइंग टू यूज ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्क्रू गेज, और वी कैन से स्फेरोमीटर, ये हम इसके लिए यूज करते हैं। स्क्रू गेज भी आपके सिलेबस में है, प्रैक्टिकल के सिलेबस में है, और IIT में भी इस पर भी क्वेश्चन बच्चों आते हैं, इनके एरर्स पे खासकर। ये जो डिवाइस है इसको हम स्क्रू गेज कहते हैं,
इस पे भी बच्चों डिटेल से एक लेक्चर हम कभी बनाएंगे, अभी तो प्रैक्टिकल का कोई है नहीं विचार। तो इसको ऐसे हम ओपन करते हैं और जिस चीज़ को भी नापना है वो इसके बीच में डालते हैं, फिर इसको हम ऐसे इसके पीछे से हिस्से से हम इसको उस टाइट करते हैं। उसके ऊपर फिर रीडिंग आती है, ये सर्कुलर स्केल है यहाँ पे, और विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर स्केल इसके नीचे एक लीनियर स्केल होता है, इन दोनों की मदद से हम नापते हैं। तो इसका जो लिस्ट काउंट है, या कह सकते हैं कि इससे आप मिलीमीटर का जो सौवां हिस्सा है उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बच्चों सारे आपके साथ ये बताए हैं, इन ये सारे के सारे पैर जो डायरेक्ट मेथड है, दिस ऑल आर कम्स अंडर डायरेक्ट मेथड। तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट मेथड मेथड्स, ये सारे के सारे ऊपर जो है ये सारे डायरेक्ट मेथड्स हैं। अब बच्चों बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट मेथड से हम मेजर करते हैं क्या, बड़ी डिस्टेंस और छोटी डिस्टेंस। तो फिलहाल हम आज के लेक्चर में जो बड़ी जो वेरी लार्ज डिस्टेंसेज हैं हम उनकी बात करेंगे, और प्यारे बच्चों वो उन पर क्वेश्चन भी बनता है। ये जो लेक्चर है हमारा वीडियो लेक्चर है, इसके बाद आप एनसीईआरटी से ये टॉपिक पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पूरा जो लेक्चर है एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों अब हम बहुत जो लार्ज डिस्टेंस है उसको कैसे हम नापते हैं, क्या हम तरीका लगाते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो एग्जाम्पल ले लिया हमने कि हमने अर्थ से और कोई प्लेनेट है, बहुत दूर प्लेनेट है, उस प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस हमें नापना है। तो यहाँ पे बच्चों दो तरीके से हम वो तरीका दो तरीके से हम प्लेनेट का मेजरमेंट करेंगे। दो तरीके कैसे, एक बार तो हम पता करेंगे अर्थ से उस प्लेनेट का डिस्टेंस कितना है, दूसरे पार्ट में हम पता करेंगे कि उस प्लेनेट का डायमीटर कितना है। ये दोनों चीज़ें, सपोज आप मून समझ लीजिए, नॉट ओनली प्लेनेट, आप समझ लो अर्थ से और मून का डिस्टेंस है वो हमें नापना है, और दूसरे केस में हमने मून का डायमीटर नापना है। ठीक है, दोनों तरीके हम देखेंगे, और जो तरीका हम यहाँ पे लगाने वाले हैं उसको हम कहते हैं पैरेलेक्स मेथड। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये हमारी अर्थ और ये हो गया मून। अब इनके बीच का डिस्टेंस कैसे नापेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अर्थ पर दो पॉइंट लेंगे, और हमने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया। ठीक है, जैसे एक दिल्ली में ले लिया, एक दिल्ली से आगे कोई भी मान लो नजदीक शहर है जयपुर, हमने वहाँ जयपुर में ले लिया, तो दिल्ली और जयपुर, तो ये हमारा दिल्ली हो गया और ये हमारा जयपुर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम मून को देखेंगे। तो पैर बच्चों जब हम यहाँ से मून को देखेंगे तो ये हमारा होगा लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन ऑफ साइट से हम इसको मून को देखेंगे ये वो हो गया दिल्ली से। इस पॉइंट को नाम मैं दिल्ली तो नहीं देना चाहता क्योंकि डी यूजफुल, इसको पॉइंट पी लिख देता हूं पैर बच्चों, पी, एंड दिस इज पॉइंट क्यू, और अब हमने इसको यहां जयपुर से ऑब्जर्व किया। दोनों ही बार हमने दिल्ली से और जयपुर से जो मून है उसके सेंटर को हमने सेलेक्ट किया, सो ये दिस इज द सेंटर ऑफ मून। जो दिल्ली और जयपुर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम है, सो दिस डिस्टेंस इज नोन टू अस, ये हमें मालूम है। और जो इस डिस्टेंस को हम पैरेलेक्स मेथड में बोलते हैं बेसिस, और एनसीईआरटी बुक ने शायद इसको बी से ही लिखा है, स्मॉल बी से। सो बेसिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम बेसिस कहते हैं, बिकॉज दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गए। दिस डिस्टेंस इज नोन टू अस, हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस कितना है, दिल्ली और जयपुर का डिस्टेंस हमें मालूम है, हमें अर्थ से और मून का डिस्टेंस नहीं मालूम, वो हमें मालूम करना है। अर्थ से जो मून का डिस्टेंस है वो एनसीईआरटी बुक उसको डी से लिखता है, और प्यारे बच्चों हमारे पास ये एंगल नापने का तरीका होता है,
सो वी हैव ए डिवाइस विच कैन मेजर दिस एंगल. सो ये एंगल भी हमें मालूम है. नाउ डियर स्टूडेंट, अप्लाइंग ए फॉर्मूला फ्रॉम मैथमेटिक्स, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये फॉर्मूला हमें मैथमेटिक्स से मालूम है. और प्यारे बच्चों यहां ध्यान रहे, दिस एंगल इज इन रेडियन. ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. यहां पर एंगल है हमारा थीटा, फिर हमारा आर्क हुआ बी और रेडियस हुआ हमारा डी. अब प्यारे बच्चों सारी बात समझने की ये है कि भाई ये जो से हमने इसको आर्क कहा, दिस बी इज आर्क, दूसरा हमने कहा डी रेडियस. तो आर्क रेडियस ये दो चीज तो सर्कल में होती है. अब यहां पे तो सर्कल है ही नहीं, आप डी को मैं रेडियस कह रहा हूं तो डी यहां रेडियस तो पर सर्कल तो नहीं है यहां. प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, थीटा इज नॉट स्मॉल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल. मुझे कैसे पता, ये आपको भी पता होगा कि क्यों स्मॉल है, क्योंकि प्यारे बच्चों थीटा किसके बराबर है, बी अपॉन डी के. तो बी है दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी और डी है अर्थ से और मून की दूरी. तो अर्थ से मून की दूरी तो बहुत ज्यादा है. सो दिस डिनोमिनेटर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू बी. तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट वेरी स्मॉल क्वांटिटी. सो दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल. और जब ये एंगल स्मॉल होता है, इवन ये बच्चों सेकंड में होता है, मिनट में भी नहीं होता. डिग्री आप जानते होंगे, डिग्री का एक डिग्री का 60th पार्ट, 60वां हिस्सा एक मिनट होता है और मिनट का 60वां हिस्सा सेकंड होता है एंगल में. तो ये बहुत ही छोटा एंगल है. और जब एंगल छोटा होता है तो प्यारे बच्चों आप इस ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सर्कल. लेट मी प्रूव दिस. अब आपके सामने हम इसको प्रूव करेंगे. कैसे इसको साबित करते हैं, ध्यान से देखिएगा. यहां बना लेते हैं प्यारे बच्चों. ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ये सर्कल का हो गया हमारा सेंटर. अब सर्कल में मान लीजिए यहां पे मैं एक एंगल बनाता हूं, ये मैंने एक कोई भी अपनी तरफ से एक रेडियस ले ली और ये मैंने एक एंगल बना दिया. ठीक, बाकी मैं इस सर्कल के पार्ट को मिटा देता हूं क्योंकि ये आपको दिख ही रहा है कि ये सर्कल का एक हिस्सा है. अब आप इसमें ध्यान से देखो, व्हाट इज द एंगल, दिस इज द एंगल. व्हाट इज द रेडियस, दिस येलो लाइन इज द रेडियस, दिस वन इज द रेडियस. व्हाट इज द आर्क, ये आर्क है और स्पष्ट दिख रहा है कि घूम रहा है. दिस इज नॉट ट्राइंगल. और मैं यहां पर ट्राइंगल को सर्कल का हिस्सा मान रहा हूं. तो अब क्या है बच्चों, यहां एंगल है लार्ज, ये एंगल है बहुत स्मॉल. अब बोर्ड पे आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐसा बनाया है, अदरवाइज एक सेकंड का एंगल बहुत छोटा होता है. तो अगर मान लीजिए ये एंगल छोटा हो जाए, मैं इस एंगल को, मैं इसको बच्चों एक डिग्री तक के आसपास ले रहा हूं, ये मैंने एक डिग्री यानी एंगल बहुत छोटा बना दिया, ये बहुत छोटा एंगल है. ठीक है, एंड यू नो दिस इज पार्ट ऑफ सर्कल. अब मैं बाकी को मिटा देता हूं. अब देखो प्यारे बच्चों गौर से, दिस हाइट, ये सर्कल का हिस्सा है. ठीक है, मैंने इससे देखो कोई छेड़खानी नहीं की, ये सर्कल का हिस्सा है. ये हमारा जो ये येलो है, दिस इज द रेडियस, ये येलो वाला और ये येलो वाला इक्वल है बिकॉज बोथ आर द रेडियस. और प्यारे बच्चों जो व्हाइट पार्ट है, अगर ये मैं आपके सामने नहीं बनाऊं, जैसे सर्कल मैंने आपके सामने बनाया था, अगर ये सर्कल मैं आपके सामने नहीं बनाऊं तो बच्चों ट्राइंगल है कि नहीं. अभी जो व्हाइट पार्ट है, देखो मैं इसके ऊपर चौक फिरा रहा हूं,
दिस व्हाइट पार्ट इज स्ट्रेट और नॉट। अब कोई भी बंदा यहाँ अब कमरे में अगर आता है तो क्या देखेगा, अगर मैं उससे पूछूंगा भाई मुझे ये बताओ ये कौन सी शेप है, तो वो इस शेप को ट्राइंगल बोलेगा कि नहीं। अब वो इसलिए ट्राइंगल बोलेगा क्योंकि ये एंगल स्मॉल है और ये सीधा है। प्यारे बच्चों अगर एंगल मैं बड़ा लेता हूँ तो फिर मुझे घुमाव वाला पार्ट दिखता है, और जब एंगल बहुत स्मॉल है ना तो घुमाव वाला पार्ट मेरे को सीधा दिखेगा। तो यही कारण है कि जो यहाँ ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, एक्चुअल में डिफरेंस नहीं है क्योंकि आप बहुत दूर से देख रहे हैं। दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ रेडियस, इसको मैं कह सकता हूँ एंगल, इसको मैं कह सकता हूँ आर्क। तो प्यारे बच्चों इसमें मुझे थीटा मुझे मालूम है, आई हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन मेजर दिस एंगल। मुझे डी निकालना है, मुझे बी भी मालूम है। तो मुझे जब ये दो चीज मालूम है तो प्यारे बच्चों डी अपने आप आराम से आ जाएगा बी बाय थीटा से। सो दिस डी इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़े डिस्टेंस को माप सकते हैं और इसे कहते हैं पैरेलेक्स मेथड। अब इसी तरीके से क्योंकि अब हमें डी मालूम हो गया है, ठीक है, अब हम दूसरा तरीका लगाएंगे। एनसीईआरटी बुक ने दो तरीके से इसको किया हुआ है, वो ये है अब मून का डायमीटर पता करेंगे। तो मून को पैरेलेक्स में थोड़ा सा इसमें ना अब मून जैसा ही दिखाऊंगा। ये मान लीजिए मून है, पूर्णिमा के दिन मून जो है पूरा गोल होता है, समझ लो ये पूर्णिमा के दिन है मून। यहां पे आपने मून के सेंटर पे फोकस किया था, ठीक है, ये मून है और ये हमारा अर्थ है। अब की बार जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा प्यारे बच्चों वो एक ही जगह होगा, इसके यहां दिस इज आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसको मून को देखेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप को फोकस करेंगे मून के इस किनारे पे, ठीक है, इस किनारे पे हमने फोकस किया। फिर उसके बाद हम मून के बच्चों दूसरे किनारे पे फोकस करेंगे। ये दो किनारों पे हमने फोकस किया, हमारे पास माइक्रोस्कोप है। जैसे अब पहले मैंने इस किनारे पे फोकस किया माइक्रोस्कोप से ऐसे, फिर मैंने दूसरे किनारे फोकस किया ऐसे। तो माइक्रोस्कोप में जो ये एंगुलर रोटेशन हुआ ये तो मेरे सामने हुआ है, सो वी कैन मेजर दिस एंगल। ये एंगल हमें मालूम है थीटा और ये रेडियन में हमें मालूम है। प्यारे बच्चों ये जो है ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके अर्थ तक ये है कैपिटल डी, अभी हमने मेजर किया है, डी हमें मालूम है, मून से अर्थ का डिस्टेंस हमें मालूम है। अब बच गया क्या, मून का डायमीटर ये वाला व्हाइट जो आपको दिख रहा है, इसको मैं डायमीटर है तो इसको छोटे डी से कह देता हूं। ये डी हमें मालूम करना है। अगेन पैर बच्चों दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। अप्लाइंग द फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क इज स्मॉल डी, आर्क बाई रेडियस। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें डी मालूम करना है। थीटा इंटू कैपिटल डी इजक्वल टू स्मॉल डी। बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला हम मून का डायमीटर मालूम कर सकते हैं। तो इसे हम पैरेलेक्स मेथड कहते हैं। और देखिए हमने इनडायरेक्ट तरीके से मून का डायमीटर भी बता दिया और अर्थ से मून का डिस्टेंस भी बता दिया। एनसीईआरटी में बच्चों दो तीन एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल है, वो आप जरूर करें। उसमें बताया गया है कि हाउ टू कन्वर्ट सेकेंड इंटू मिनट, मिनट इंटू डिग्री, डिग्री इंटू रेडियन, उसमें बहुत सारे कन्वर्जन है। एक फिर एग्जाम्पल इन दो कंसेप्ट के ऊपर भी है, वो भी आप जरूर करिएगा। इस लेक्चर के बाद बच्चों एक बार एनसीईआरटी में से ये टॉपिक जरूर पढ़िएगा, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि कई किताबों ने इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करके दिखाया गया है, लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में है उसको करना चाहिए, ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न इस तरह से इसके ऊपर पूछे गए हैं, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पर बच्चों।